जय हिंद दोस्तों। सीजीएल की भर्ती निकली हुई है, काफी बड़ी मात्रा में है। और ये भर्ती जो निकली हुई है, अलग अलग विभाग में अलग अलग तरह की निकली हुई है। सबसे पहले देख लेते हैं जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर है, उसमें वैकेंसी है अनारक्षित के लिए 163, महिलाओं के लिए 8 है, और SC ST के लिए भी वैकेंसी है, OBC के लिए भी वैकेंसी है, आर्थिक रूप से EWS के लिए भी है। टोटल वैकेंसी 384 है। ऐसे ही नेक्स्ट विभाग है दूसरा, जिसमें कि कनकी सचिवालय सहायक में भी 332 वैकेंसी है। और एक विभाग और भी है जिसमें कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की 245 वैकेंसी है। 245 तो ये लगभग 1,500 के आसपास वैकेंसी है। प्लानिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है तो 1,500 की वैकेंसी है। ये सीजीएल की वैकेंसी हर साल निकलती है, तो ऑल इंडिया की निकलती है, जिसमें कि ये झारखंड की है। झारखंड के जो भी निवासी हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड गवर्नमेंट ने सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें शुरू करते हैं, स्टार्टिंग डेट कब कब तक फॉर्म भरना है, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। तो शुरू करें। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग झारखंड द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये भी वेबसाइट दी हुई है, आप इसके थ्रू भर सकते हैं, नहीं तो लिंक के थ्रू भी भर लें। परीक्षा शुल्क 1,000 रुपये परीक्षा शुल्क है, लेकिन SC ST को 250 रुपये परीक्षा शुल्क देनी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और वैकेंसी जो निकली है इसमें वैकेंसी की पदों की संख्या और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी दिया गया है। रिक्तियों की का विवरण, सबसे पहले अनारक्षित के लिए 163 पद, और जो टोटल पद है 384 पद है। महिलाओं के लिए भी दिए हुए हैं, जो कैटेगरी पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, उनके लिए भी वैकेंसी दी गई है। तो टोटल आप नोटिफिकेशन के थ्रू देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार। तो टोटल काफी वैकेंसी है, लगभग 1,000 से 1,500 के पदों पर वैकेंसी है। झारखंड के सभी जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं जो सहायक शाखा प्रबंधक का वेतन कितना रहेगा। तो वेतन की बात कर ले तो पे लेवल 7 रहेगा, 44,900 से 1,42,400 रुपये। इसके बाद कनिक सचिवालय सहायक की समूह गा की वैकेंसी में 19,900 से 63,200 पद 200 सैलरी रहेगी। और खंड खा के लिए आपूर्ति अधिकारी की 35,400 से 1,12,400। प्लानिंग असिस्टेंट की 29,200 से 92,300 रुपये रहेगी। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री चाहिए, उसके समकक्ष भी चलेगा। समकक्ष का मतलब है एक्स सर्विसमैन की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी इसमें चल जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का जो योग्यता चाहिए, अंतिम तिथि तक आप स्नातक कर लें, जब तक फॉर्म भरे जाते हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी इसका देख लेते हैं, जो इसमें खेल कूद वाले हैं उनके लिए भी कोटा है। तो आप किसी तरह के मेडल हैं या किसी में रैंकिंग आई है तो उसके लिए भी आपको नंबर मिल जाएंगे अलग से। न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए आयु, अधिकतम 25/1/2016 को आपकी, जब अगर आप जनरल में है तो 35 वर्ष होनी चाहिए, SC ST में है तो OBC में है 37 वर्ष होनी चाहिए, SC ST में 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज और देख लें, जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें दिया हुआ भूतपूर्व सैनिक की अधिकतम आयु 5 साल की छूट है, जो अधिकतम आयु है उसमें 5 साल की छूट दी गई है। उम्र छूट का लाभ समूह गा और ड़ा में कोई एक में ही मान्य है, दोनों में नहीं ले सकते, किसी एक में ही ले सकते हैं। इसके बाद ये ध्यान रखें, ये जो फॉर्म भरा जाएगा इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ग्रेजुएशन किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से किया है वो इसके लिए कर सकते हैं। आरक्षण जो मिलेगा एज पर गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट देती है। ये था झारखंड का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद।